हाय गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय चैनल। सो जैसे आप टाइटल से समझ ही गए होंगे क्या है इस वीडियो में, कैसी सर्जरी है, क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। लाइक आज रिसेंटली जो है आई वेंट थ्रू अ वेरी माइनर सर्जरी, यू कैन से। सो दैट वॉज अ कॉर्न रिमूवल सर्जरी। सो एक्सेशन करके जो है, एक्सेशन का मतलब है उसको जो है क्या बोल सकते हैं, अगर मैं लेमैन टर्म्स में बात करूँ, एक्सेशन इज लाइक जस्ट वाइड ओपन करके उसको एक ब्लेड से हम एक्साइज कर देते हैं और रिमूव कर देते हैं। तो ये जो सर्जरी था ये एक हाफ एन आवर, आई कैन से नॉट इवन, या आई थिंक हाफ एन आवर ड्रेसिंग एंड ऑल के लिए लग गया था। तो ये एक्चुअली जो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, काफ़ी मतलब लोगों को जो है ये कौन जो था मेरे टो में था बेसिकली, तो ये हो जाए। तो मैं आपको बता देती हूँ जो कॉर्न है वो मेरे टो में था एग्जैक्टली, एंड इसको हो गए थे 2 ईयर्स, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स होने आ गए थे एक्चुअली। वो मुझे बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली जो है पेन दे रहा था, लाइक कभी भी कुछ आप हील्स पहन लो या नॉर्मल शूज़ भी पहन लो तो वो मुझे थोड़ा सा पेन दे रहा था, क्योंकि वो मेरे मेन जो टो था मिडिल फिंगर में वहाँ पे था। इस वजह से जो है मैंने सोचा, एक्चुअली मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि अगर आप उसको रिमूव करवाते हो तो अ प्रॉपर रेस्ट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको उसे बचाना होता है पानी से, कुछ चीज़ें नहीं खानी होती है, अवॉइड करना होता है, तो ये सारी चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए एक प्रॉपर रेस्ट लेना इट्स वेरी मच असेंशियल, रेदर जो सर्जरी करने से ज़्यादा ये असेंशियल है कि आप उसको कैसे संभाल रहे हो, क्योंकि अगर इफ द वुंड गेट्स इन्फेक्टेड देन इट्स अ प्रॉब्लम, राइट। तो इसीलिए मैं थोड़ा डिले कर रही थी कि नहीं, थोड़ा बात कराऊंगी, बट मैंने सोचा भी क्यों ना मैं करा ही लूँ। तो मैं तो मुझे ये हुआ था, एंड आई आस्क्ड इवन द डॉक्टर लाइक इज इट कंटेजियस। किसी किसी को एक मिसकंसेप्शन होता है, जैसे मुझे भी था पर्सनली, कि ये मुझे किसी और से आया है, इट्स कंटेजियस। आई आस्क्ड हिम, तो ही वाज लाइक हु सेड यू दैट, ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स नॉट कंटेजियस। ये क्यों होता है, जो प्रेशर पॉइंट्स है इस वजह से होता है, किसी किसी के फीट में रहता है। कौन, मैं आपको बता दूँ, हिंदी में बोरा भी बोलते हैं इसको, और तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये बेसिकली जो है प्रेशर पॉइंट्स के वजह से होते हैं। किसी किसी को फीट में, मैं ये बता रही थी, किसी किसी को फीट में भी होता है, या मोस्टली ऐसे कोई जो हार्ड रीजन जहाँ हम ज़्यादा मतलब चलने के लिए यूज़ करते हैं, वैसा पाम रीजन में भी होता है किसी किसी को, तो इस तरीके का था। कुछ लोगों का पता है होम रेमेडी से भी होता है, बिकॉज बट इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसी को वो मतलब इफ़ेक्टिव लगेगा, किसी के लिए वो वर्क करेगा, किसी के लिए नहीं करेगा, जैसे कि मेरे केस में उसने नहीं किया। सो बिफोर मैंने सोचा था इफ़ नॉट सर्जरी व्हाट इज़ द अदर ऑप्शन, ये भी मैंने सोचा था। तो अगर सर्जरी नहीं है तो अदर ऑप्शन वॉज लाइक यू हैड टू अप्लाई अ पेंट। पेंट था ये मैंने निकाल के रखा है ये दिखाने के लिए बेसिकली। अगर आपको भी है ये प्रॉब्लम, कॉर्न वाला जो प्रॉब्लम है, तो आप इनिशियली, अगर वो बहुत इनिशियल है, 6 मंथ हुआ है, 3 मंथ्स हुआ है, तो आप इनिशियली ही क्या कर सकते हो, आपको सर्जरी की नौबत नहीं चाहिए, तो ये जो सैलेक्टिन एक पेंट है, सैलिसिलिक एसिड का है, तो ये बहुत ही यू नो इफ़ेक्टिव है। मेरे केस में नहीं था, बिकॉज मेरा बहुत अंदर चला गया था, डीप चला गया था, क्योंकि मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। बट अगर आपका न्यू है, लाइक अगर 1 ईयर का भी हो गया है वो, और आपको लग रहा है इनिशियली यू नो हमने अपने पैर को मतलब एक रूटीन बना लेना चाहिए, उसको स्क्रब करना रात में, ऑल दीज थिंग्स, राइट। बट आई नो वो कभी यू नो एक्सीडेंटली हो जाता है, तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो माय सजेशन इज लाइक यू कैन यूज़ दिस लिटरली। मैं इसका एक प्रॉपर फ़ोटो जो है मैं डाल दूंगी, क्योंकि ये सेलेक्टिन पेंट रियली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये सैलिसिलिक एसिड का है, और ये क्या कर देता है, एक वाइट कोटिंग करके जो है वो रिमूव कर देता है। बट यू हैव टू अप्लाई इट, इसको 2 बार आपको अच्छे से ड्राई करके जो है लगाना होता है। द डायरेक्शंस आर रिटर्न, और ये कुछ 350 रुपीज़ का एक छोटा सा ही ये है, बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका जो स्मेल है, बट मेरे को ये वर्क नहीं करा, तो मुझे बेसिकली एट द एंड सर्जरी वॉज माई लास्ट रिसॉर्ट, सो मुझे कराना ही पड़ा। एंड
ये मुझे आपसे शेयर करना था. लाइक अगर आपको भी कभी मतलब आप भी इनकाउंटर हुए हो किसी के पैर में है तो यू कैन यूज़ दिस. ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. और अगर नहीं हो रहा, अगर ज़्यादा हो गया है तो जस्ट गो फॉर अ रिमूवल ऑफ दैट. लेज़र, या वन मोर ऑप्शन आई वॉन्टेड टू शेयर इज़ लेज़र. बट जो लेज़र था ऐसे मुझे लगता है, आई डोंट नो, ऐसे मुझे लगता है अगर आप लेज़र से करवा रहे हो तो देर कैन बी अ चांस कि वो दोबारा हो सकता है. एक्सेशन में क्या होता है, जो पूरा टिश्यू है उसको रिमूव करते हैं तो देर आर लेस चांसेस. आई एम नॉट सेइंग इट्स 100% नहीं होगा, बट देर आर लेस चांसेस क्योंकि ये एक वायरस जैसा होता है. तो देर आर चांसेस कि वापस कहीं और जगह में हो सकता है. बट होपफुली इफ़ योर लक इज़ गुड तो ये ख़त्म हो जाएगा किस्सा जो है वहीं पर. सो येस, आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दैट. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ज़्यादा केयर देना पड़ता है. यू हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वाटर. एज आई टोल्ड यू बिफोर, कुछ चीज़ें नहीं खानी होती आपको. एंड ड्रेसिंग जो है वो करते रहना है. ड्रेसिंग का भी मैंने बता दूंगी मैंने इसका कैसे ड्रेसिंग किया. एक ऐसे मैंने डेमो डाल दिया है इसमें. तो कभी आपको नॉट ओनली फॉर कॉर्न, यू नो, अगर कोई माइनर वुंड है तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ड्रेसिंग कैसे किया जाता है. बिकॉज समटाइम्स यू नॉट एबल टू गो टू द डॉग एंड यू नो अगेन एंड अगेन. और कभी लगता है हम खुद से कर लेंगे. इफ़ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस तो यू कैन गो फॉर इट, इट्स वेरी ईजी. तो ड्रेसिंग के लिए मैंने कुछ सामान ला के रख दिया था और मैं वो खुद अपने से ही करती हूँ. और क्या चीज़ था, यस यही सारी चीज़ें मुझे थोड़ी सी आपसे शेयर करनी थी. एंड और या अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइस. यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. एंड सो दिस इज़ हाउ इट अकर्स. इट कैन अकर एट द एजेस इवन. सो इट फॉर्म्स अ हार्ड कोटिंग लाइक कवर जैसे बन जाता है, थिक क्रस्ट. दिखा देती हूँ. अभी फ़िलहाल मुझे ये ड्रेसिंग करना है इसका, तो चेंज करना है तो मैं दिखा न्यू ड्रेसिंग कैसे करते हैं वो मैं दिखा देती हूँ इस वीडियो में आपको. सो चलो स्टार्ट करते हैं फिर. कैमरा कैसे, लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो. जो पुराना है वो मैं कट कर लूँगी आराम से विद द हेल्प ऑफ सीज़र. सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं. जो टेप है आप हल्के से निकालें इसको आराम से. बहुत हल्के से. सो ये थोड़ा सा स्टिक हो गया है तो धीरे से निकालें क्योंकि अभी स्किन ग्रो होने वाला है. तो मैं आपको दिखा देती हूँ. बिल्कुल इस तरीके का हो गया है. स्किन ऊपर ऊपर से आ रहा है. यहाँ पे ब्लैक सा आपको दिख रहा है वो आयोडीन है, पोवर्डन. तो सबसे पहले हम जो वुंड है उसके एरिया को क्लीन कर लेते हैं. तो उसके लिए मैंने लिया है कॉटन. ओके, तो थोड़ा सा कॉटन निकाल के हम जो है एरिया क्लीन कर लेंगे. ऐसे रोल बना देना. आई एम यूजिंग डिटॉल. यू कैन यूज़ सैवलॉन इफ़ यू हैव. थोड़ा सा इसमें ले लेंगे. बंद कर देते. एक्चुअली ये काम के लिए एक असिस्टेंट चाहिए बट अभी खुद से करना पड़ रहा है तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा. तो मैं आपको दिखा देती हूँ. जो वुंड है उसके आसपास के एरिया को क्लीन करें और एक ही डायरेक्शन में आपको घुमाना है. वापस उस डायरेक्शन में नहीं आना है. थोड़ा सा यहाँ पे कॉटन लगा हुआ है तो मैं इसीलिए ये पूरा एरिया क्लीन कर लूँगी. ठीक है, आराम से. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है. ओके, ये मैं आपको दिखा देती हूँ. जो क्रीम यूज़ होता है ड्रेसिंग के लिए तो ये है पोविडिन आयोडीन का है. इसका जो एक्चुअल सैशे है, सैशे यहाँ पे होगा इसका. ओके, इसका पैकेट भी मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि अगर आपको लेना होगा तो ये ऑइंटमेंट है. दिस इज़ पोविडिन आयोडीन. सिप्लाडीन का है क्या आप देख सकते हो. सो ओके, आई एम सो सॉरी, दिस इज़ द वन. तो ये बिल्कुल ऐसा है. तो इसको हम ले लेंगे एक गॉज पीस में. तो गॉज पीस भी मैंने ले रखा है. गॉज पीस अभी कट करना पड़ेगा क्योंकि है नहीं शायद रेडीमेड. इसको कट करना पड़ेगा गॉज पीस को आराम से. मुझे पता नहीं पेन सा हो रहा है, कोई नहीं, आराम से मैं इसको एक छोटा सा गॉज पीस जो है वो बना लेती हूँ. ओके, तो इतना सा जो है सी
गॉज पीस आपने ऐसे बना लेना है, जितना बड़ा आपका वुंड होगा, मेरा छोटा है तो मैं इसको एक और फोल्ड करके इतना सा बना लूँगी। तो आप अप्लाई करोगे ये क्रीम, इस पर थोड़ा सा ही लेना, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा अगर लोगे तो उससे मॉइस्चर भी लग सकता है। तो आप, मैं कैसे दिखाऊँ, ओके, तो ये इस तरह से जाएगा, इसके ऊपर पकड़ के रखना, और जो टेप है वो है हैंसाप्लास्ट फिक्सेशन टेप है जो हम यूज़ करेंगे। आई विश मेरे पास कोई असिस्टेंट होता अभी के लिए, बट स्टिल वी हैव टू मैनेज। तो आप देख सकते हो, एक हाथ से वो पकड़ लेना और दूसरे हाथ से जो है आप टेप स्टिक कर लेना अराउंड द टोस। तो थोड़ा सा सिक्योरली कर लेना क्योंकि ये रिमेन होना चाहिए ना। तो ये हो गया टेप में, ओके, तो ऐसे मैंने टेप कर लिया। उसके बाद द नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, हमने बैंडेज लगा लेना है। बैंडेज भी मुझे कट करना पड़ेगा। सो आप, मैं हल्का सा एक ही पीस लूँगी, ये स्टराइल ही है तो मैं एक हाफ इसका कट कर लूँगी। ओके, ये सब ऑलरेडी रेडी करके मुझे रख देना चाहिए था, बट मैं सोच रही थी मैं आपको कम्प्लीटली अगर दिखा रही हूँ तो प्रॉपरली दिखाऊँ, तो इसीलिए मैंने कुछ भी पहले से तैयारी नहीं करके रखा। ये हम नेक्स्ट इसमें यूज़ करेंगे, जो ये है डबल लेयर्स है। तो अगर जैसे आपका वुंड होगा, मैं अभी भी बोल रही हूँ, तो वैसे करना है। अभी ज़्यादा मेरा ये है नहीं तो मैं एक ही हाफ ले लूँ इसका, एक और मैं कट कर लेती हूँ। मैंने ले लिया है कट करके, तो मैं इसको फोल्ड करके जो है इस तरह से ये कर लूँगी। आई होप आपको दिख रहा होगा। ओके, इसको ऐसे पकड़ लेंगे और आराम से जो है पट्टी कर लेंगे। तो मैंने बैंडेज का बड़ा पीस लिया है क्योंकि वाटर के कांटेक्ट में आता रहता है मेरा पैर, तो बट मैं बिल्कुल भी अवॉइड करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया। एट द एंड आपने क्या करना है, ये जो है इसको ऐसे टू पीसेस में कट कर लें। ओके, तो ये आपको ग्रिप कैसे मिलेगा ना, तो एक पीस को यहाँ से इसको इस तरीके से बांध लें और जो एक्सेस है वो कट कर लें। ओके, सी बात है। ओके, एक्सेस है वो कट कर ले। सो इस तरीके से मैंने कर लिया अपना ड्रेसिंग। तो ऐसे कोई भी छोटा मोटा वुंड हो तो आप खुद से कर सकते हो। सो यस, जो एक्सेस है वो कट कर लेंगे। तो ऐसा हो गया है मेरा ड्रेसिंग। यस, ओके।